बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों मुगल जो चैनल खुश आमदी कहता हूँ दोस्तों। एक और लेटेस्ट जॉब की इंफॉर्मेशन लेकर हाजिर हुआ हूँ दोस्तों। ये वैकेंसी महकमा एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन खैबर पख्तूनख्वा में दोस्तों टीचिंग की वैकेंसीज खाली हैं। इनमें दोस्तों बात करें फर्स्ट की, तो ये सेकेंडरी स्कूल टीचर है जो SST की पोस्ट है दोस्तों। स्केल इसका 16 होगा बायो और केमिस्ट्री के लिए। इसमें एक तलीमी काबिलियत दोस्तों यहाँ पर देखें तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए सेकंड डिवीज़न में, और दो मजामीन लाजमी आपके होने चाहिए जिसमें आपने केमिस्ट्री, बायो, जियोलॉजी या बाटनी में की हो। इसमें दोस्तों BSc वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। 19 से 35 साल इसमें एज रखी गई है। नंबर दो की बात करें तो दोस्तों सेकेंडरी स्कूल टीचर है, इसमें फिजिक्स और मैथ के लिए आपको भर्ती किया जाएगा। इसका स्केल 216 है। इसमें भी दोस्तों किसी भी तस्लीमशुदा यूनिवर्सिटी से सेकंड जो डिग्री आपकी बैचलर की होनी चाहिए, और इसमें भी दोस्तों फिजिक्स और मैथ्स या फिजिक्स के जो मजामीन है उसमें आपने की हो, इसमें भी 19 से 35 साल इसमें उम्र रखी गई है। दोस्तों वीडियो के आगे बढ़ने से पहले ऐसे छोटी सी प्रोसेस है, प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि दोस्तों इस तरह की लेटेस्ट जॉब की जो इन्फॉर्मेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों नंबर तीन की बात करें तो सेकेंडरी स्कूल टीचर है, इसका स्केल भी दोस्तों ये जनरल ग्रुप के लिए है, 16 स्केल है इसका। इसमें भी दोस्तों बैचलर डिग्री होनी चाहिए और साबमा अंग्रेजी बतौर मजामीन होने चाहिए आपके पास। बाकी दोस्तों आप इसे रीड कर लीजिए, 19 से 35 साल इसमें भी एज रखी गई है। दोस्तों नंबर चार पे देखें तो सेकेंडरी स्कूल टीचर IT है, इसका स्केल 216 है। इसमें दोस्तों क्वालिफिकेशन जो रखी गई है सेकंड डिवीजन मास्टर डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या आपने कंप्यूटर के साथ बैचलर डिग्री हासिल की हो। बाकी दोस्तों आप इसे रीड कर लीजिए मजीद, 21 से 35 साल इसमें उम्र रखी गई है। दोस्तों यहाँ पर सिलेक्शन क्राइटेरिया में उस्तादा की सिलेक्शन के लिए क्राइटेरिया दर्ज है। दोस्तों यहाँ पर कुल नंबर 200 होंगे। इसमें दोस्तों तलीमी काबिलियत के हिसाब से हासिल करदा नंबर के साथ ज़रब दी जाएगी, मल्टीप्लाई किया जाएगा, आप इसे रीड कर लीजिए। दोस्तों बाकी नीचे इन्होंने जनरल इंफॉर्मेशन दी हुई है कि हर असामी के लिए ज़िले की सतह पर अलग-अलग मेरिट लिस्ट आपकी मुरतब की जाएगी। इसके अलावा जिस उम्मीदवारों के टेस्ट के हासिल करदा नंबर और तलीमी काबिलियत के नंबरों को जमा किया जाएगा। दोस्तों अगर क्वालिफिकेशन अच्छी होगी उस हिसाब से उन्होंने क्राइटेरिया बनाया, उसके साथ ये नंबर आपके साथ जमा हो जाएंगे। बाकी दोस्तों आपने NTS की वेबसाइट पर चले जाना है, वहाँ पर ही इसे अप्लाई करने का तरीका है, सारी डिटेल वहाँ इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। बाकी दोस्तों यहाँ जनरल मालूम आता है, आप इसे अच्छी तरह रीड कर लीजिए। बाकी दोस्तों NTS की वेबसाइट पे आपके पर अगर आप जाएँ तो वहाँ पर अभी फ़िलहाल तो इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि 12 बजे के बाद इसकी इंफॉर्मेशन वहाँ पर आ जाएगी, एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये आज की वैकेंसीज है और NTS की जो वेबसाइट है जब रिफ्रेश होगी तो पर अपडेट आ जाएगी। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। दोस्तों एक दफ़ा फिर मैं आपको कह दूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की लेटेस्ट जॉब की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको ज़रूर मिलती रहेगी। दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।